जय बाबा। पिछला अपना लेक्चर में गॉड स्पीक्स सात परत का पर्दा, परत मतलब फोल्ड, सेवन फोल्ड, परत का मतलब फोल्ड, और पर्दा मिस स्क्रीन, पर्दा रहता है ना वो पर्दा, इस पर्दे को सात फोल्ड के अंदर में बांधा हुआ है और हर फोल्ड में एक नॉट है, एक गांठ है, यह वो समझा रहे। और ये जो दिखाई दे रहा है यह है फॉल्स माया। उन्होंने ये कहा है कि ये है रियल माया, दोनों माया जो है वो भ्रम है, देयर इज नो डाउट, पर समझाने के लिए उसको स्पेशली उन्होंने दोनों को ये किया है। पर जब ही जीवात्मा का शिवात्मा बन जाता है तो वो फॉल्स जो है वो भी जाती है, वो जो रियल है वो भी जाती है, और सब कुछ चला जाता है। हम लोग कल जो आए थे उसको थोड़ा सा रिवाइव करेंगे, उसको फिर चलते हैं। और सात प्रकार के रंग होते हैं, नहीं क्या, कलर सात प्रकार के होते हैं, और सात प्रकार की मूल डिज़ायर्स होती हैं, वो दिए काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष निंदा, सात। इसके सात प्रकार के इसके इम्प्रेशंस हैं, ठसे हैं जिसको बोलते हैं, संस्कार जो है वो सात प्रकार के संस्कार हैं। और इस प्रकार से यह जो सात प्रकार के डिज़ायर्स या संस्कार्स है, ये अपने ये चेहरे के ऊपर में ये सात जो है, ये अपना मुंह जो है, दो ये नाक के जो दो है, दो पुड़िया है, ये दो है, और ये दो आँख, ऐसे सात जो फिगर है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मानव जो है ये परमात्मा की प्रतिमा है, क्योंकि ये सात प्रकार के संस्कार या डिज़ायर जब निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे पूरे, तब भी तुमको परमात्मा के दर्शन हुए नहीं है अभी तक। परमात्मा बाबा कहते हैं कि ये जानने के बाद, वो कैसे जाते हैं अभी हम देखेंगे, के बाद तुमको, तुम पांचवी प्लेन के ऊपर में आते हो। ये छठवीं और सातवीं जो है वह उसके लिए तुमको सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक मैं लास्ट टाइम आया था, अब उसके बाद में मिथ्या माया जो है वो कभी प्रारंभ होती है जब यह आत्मा, अचेतन आत्मा जब भी इस माया में प्रवेश करता है। व्हाट इज दिस माया, बाबा कहते दिस माया इज नथिंग बट नथिंग, नथिंगनेस, मतलब नथिंग का नथिंगनेस। ये जो है पूरा, ये वो रियल नथिंग जो है, जहाँ हम जाएंगे तो उसके बाद में उसको एक्सप्लेन डिटेल करेंगे। ये नथिंगनेस जो है वो ओरिजिनल नथिंग का मैनिफेस्टेशन बोलो, या उसका प्रगटीकरण बोलो, या उसका एक्सपेंशन बोलो, जो भी है। जब भी यह आत्मा इस नथिंग में आता है, नथिंगनेस में आता है, नथिंगनेस, नथिंग और नथिंगनेस दो है, नथिंगनेस में जब भी आता है, कुछ भी नहीं में आता है, तभी यह मिथ्या माया का जो है प्रवास शुरू हो जाता है, प्रारंभ होती है मिथ्या माया। आत्मा का अवतरण मतलब डिसेंड, अभी यह आत्मा सात स्टेजों के अंदर में यह मानव रूप में आया हुआ है, सेवन स्टेजेस में, और इसीलिए भौतिक स्थिति में यह अवतरण सात स्टेजेस में होता है। डिसेंड मुझे स्टोन से लेके आदमी तक सेवन स्टेजेस में जाने के बाद में मनुष्य रूप हमें मिलता है, बराबर है कि आगे में और यह सातवीं जो आध्यात्मिक भूमिका है, यहां जब भी हम लोग पहुंच जाते हैं, ये सातवीं भूमिका कौन सी है, ये आध्यात्मिक भूमिका है। इसमें जो रियल माया, जिसको इन बाबा ने कहा है ये रियल माया भी ख़त्म हो जाती है सातवीं में जाने के बाद में। हमको यह ज्ञान है कि हम ये शरीर हैं, हमको ये भी ज्ञान है कि हम ये मन है, और हमको ये भी ज्ञान है कि यह जो प्राण शक्ति है इसको पूरा इकट्ठा बनाओ तो दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, तीनों को मिला के।
पर अल्टीमेटली ये तीनों भी नष्ट होना चाहिए, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली। पर हम जब भी अपने गहरे नींद में जाते हैं तभी हम अनकॉन्शियसली इस सभी को भूल जाते हैं। हम अपने शरीर को भी भूलते हैं, हम अपने मन को भी भूल जाते हैं और हम अपनी उस शक्ति को भी भूल जाते हैं। मतलब हम कहाँ जाते हैं, हम परमात्मा को डेली अपने गहरी नींद के अंदर में हम परमात्मा से डेली एक रूप होते हैं, पर अनकॉन्शियसली अचेतन के तरह हम उनको एक रूप होते हैं, चेतन नहीं होते। पर जब भी हम वहाँ से निकलते हैं, बाहर उठते हैं सवेरे, तो हमें माया से हमारा संबंध जुड़ जाता है, बराबर है कि नहीं। और इसीलिए हमारी गहरी नींद में हम इन दोनों से परे हैं, मतलब शरीर से भी परे हैं, अपने शक्ति से भी परे हैं और अपने मन से भी परे हैं, क्योंकि वो स्थिति में हम हैं। वो थोड़ी है कि हम जो गहरी नींद में मर जाते नहीं है। हमको कॉन्शियसनेस तो है, हमारा एग्जिस्टेंस तो है, वो तो नहीं मरा ना। दो चीज़ हमारे साथ में है रात के टाइम, वो कौन सा, हमारा एग्जिस्टेंस और हमारी चेतना। चेतना भी गई नहीं है और एग्जिस्टेंस भी गई, पर वो चेतना जो है वो अनकॉन्शियस है। चेतना ही खुद अनकॉन्शियस है जब हम गहरी नींद में जाते हैं। इसीलिए वो बाबा ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। बाबा ने कहा कि यह मुझे तुम्हें क्यों बताना पड़ता है। और उसके ऊपर में जो उनका अपना जो स्टेटमेंट है, तो बाबा ये कहते हैं कि सर्टन सोल्स नीड सच एक्सप्लेनेशन, क्यों कि आने वाली मानव जात 100-200 साल के बाद में वह इतनी बुद्धिमान होगी कि वो अगर उनको ये कहा जाए कि तुम ये पत्थर है और उसके दही डालो, दूध डालो, वो बोलेगा वो तुम अपने पास में रखो, वो पुरानी हो गई, अभी नहीं जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, सर्टन सोल्स नीड सच एक्सप्लेनेशन, इसीलिए उन्होंने वो इतना डिटेल वर्णन उसका दिया हुआ है। और सही में इसको जब भी लोग हम पढ़ते हैं ना, तो अपने को ये समझ में आती है, क्योंकि अपन पढ़े लिखे आदमी है भाई, अपने को ये समझ में आता है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है। क्योंकि एक बार अगर ये समझ में आ गया व्हाट इज गॉड, उसके बाद में तुम कोई भी किताब अगर लो पढ़ो, तुम रख दोगे बाजू में। कितना भी बड़ा लेखक हो, कादंबरीकार हो, या कोई भी हो, आप उसको छुओगे नहीं। उसको आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह पढ़ने से मेरी कोई आध्यात्मिक प्रगति कोई होने वाली नहीं है। पर जिसको पढ़ना है उसको पढ़ने दो, हम किसी को मना ही नहीं कर सकते कि तुम ये मत पढ़ो, तुम ये नहीं करो, वो अपनी अपनी इच्छा है, अदा कर, अगर जिसकी इच्छा है वो पढ़े, ऐसा है, इसीलिए थोड़ी है। और इसीलिए ये क्यों कहा जाता है कि मनुष्य ही ईश्वर है, नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया कि ये क्यों कहा जाता है कि मानव जो है वह ईश्वर ही है, क्यों? इसलिए कि ईश्वर को देखने और उसको साकार रूप में उससे एकरूप होने की मानव में यह क्षमता है। सदैव मानव में यह क्षमता विद्यमान होती है। हर आदमी में क्षमता है, हर आदमी में वो लहर है, हर आदमी में वो लहर इसलिए है कि वो लहर यह चाहती है, वो लहर इसीलिए है कि आपको परमात्मा होना है, परमात्मा से होना है, मतलब परमात्मा से एकरूप होना है। और यह जो क्षमता जो है वो मनुष्य में है, बाकी के जो योनि में यह क्षमता नहीं है, पशु पक्षी मत्स्य कीटक इनमें यह क्षमता नहीं है। क्योंकि फिर मानव का पूर्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद मानव को ये ज्ञान हुआ कि यस, परमात्मा की खोज करना है, अनेक जन्मों के बाद में एकदम नहीं आता है। और इस सत्यता, मतलब ट्रुथ जो है मानव में, हमेशा यह ट्रुथ हिडन स्टेट में है, हिडन है, ये हमेशा ये रहती है। कौन सी? यह सत्यता की खोज करने की जो इच्छा है वो हमारे में है, और यह सत्यता भी हमारे में है, कहीं नहीं गई है। जब भी हम अपने गहरे नींद में जाते हैं तभी हम अपनी ही सत्यता से एकरूप हो जाते हैं। हमारा ये झूठा अस्तित्व है वो उस सत्यता के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है।
पर जब भी हम वहाँ से निकलते हैं सवेरे तो वो फिर से आ जाती है और अपना काम करना चालू करती है। पर मानव जब तक आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं पहुँच जाता उसे साक्षात्कार नहीं हो सकता। नहीं क्या आध्यात्मिक मार्ग मतलब तो कौन सा बाबा किसके बारे में बता रहे हैं? बाबा ये बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक मार्ग है, यहाँ से आध्यात्मिक पहली भूमिका दूसरी तीसरी चौथी, यह मोक्ष मार्ग जो है वह आध्यात्मिक मार्ग है। जब तक इस आध्यात्मिक मार्ग में आप प्रवेश नहीं करोगे तब तक आपको आगे आप बढ़ के शिवात्मा आप नहीं हो सकते हो। मार्ग पर नहीं पहुँच जाता तब उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ट्रुथ छिपा ही रहता है, ट्रुथ जो सत्य है अपना एग्जिस्टेंस जो है वो ट्रुथ है, वो रियलिटी है, वो अपना एग्जिस्ट, क्योंकि अपने को एग्जिस्टेंस जो है ना वो समझ में आता है, अपने को ट्रुथ रियलिटी ये जो है वो नहीं समझ में आता है, वो समझने के लिए अपने को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, पर आता है नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, पर अपना अस्तित्व जो है जो कि ट्रुथ है रियलिटी है सत्य है परमात्मा है जो भी उसको बोलो, यह ट्रुथ जो छिपा ही रहता है। कब तक? जब तक इस मोक्ष मार्ग के अंदर में जब तक हमारी एंट्री होती नहीं तब तक। इस मोक्ष मार्ग में एंट्री के लिए हमको पीछे जो सद्गुरु और अवतार होके गए उन्होंने कर्मयोग ज्ञानयोग ये योग अपना होम हवन और बाद में यज्ञ और बाकी जितने भी प्रकार है सब कुछ बताए। किसके लिए? उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यू मस्ट गेट योर एंट्री इनटू मोक्ष मार्ग। जिनकी वो एबिलिटी हो गई ना वो लोग बराबर अंदर जाते हैं और सदगुरु को मालूम रहता है कि किनको ढूंढना है, बराबर है कि नहीं। अब ये इनके गांव में सदगुरु है तजुद्दीन बाबा और ये तजुद्दीन बाबा को ढूंढ रहे हैं, पर अल्टीमेटली ताजुद्दीन बाबा ने इनको इस मार्ग के अंदर में डाल दिया क्योंकि इनका पुराना अपना जो रिश्ता था उनके साथ में जो इन्होंने सेवा की ताजुद्दीन बाबा की इनके फैमिली ने उसका प्रसाद ताजुद्दीन बाबा ने इनको दे दिया और वो मेहर बाबा के साथ में आ गए। ये बाबा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे कि आपको अपना ध्येय जो है वो मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कहीं भटकना नहीं है इधर उधर इधर उधर इधर, जो भटकते हैं उनको भटकने, जो कुछ करते हैं वो करते हैं उनके लिए करना, अपने को से कोई लेना नहीं, अपने को क्या करना है? समझते हैं क्या करने का है कि आपको इस मार्ग में पहले एंट्री करो। और एंट्री करेंगे कैसे? कुछ पूंजी तो होनी चाहिए ना साथ में, नहीं तो कैसे एंट्री होगी? और इसीलिए सदगुरु को या अवतार को ढूंढो या अपने मास्टर को ढूंढो जो भी है, और इसीलिए यही कारण है, यह हिडन का कारण, ये जो अपने अंदर में जो ट्रुथ है रियलिटी है सत्य है जो अनंत एग्जिस्टेंस है जो छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, यह इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपनी अज्ञानता अज्ञान। परमात्मा ज्ञान, रियलिटी क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। व्हाट इज दिस? इग्नोरेंस, अज्ञान। इस अज्ञान के वजह से हमें यह सफलता नहीं मिलती और इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि यह जो क्षेत्र जो है तुम्हारा सूक्ष्म और कारण जगत, यह हमारे अपने बुद्धि के परे है। हमारी अपनी बुद्धि जो है वो कहाँ तक ही चलती है? जब तक एंट्री नहीं हो जाती है तब तक चलती है, पर उसके बाद हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी उसके ऊपर में क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र बन जाता है। और यह तथ्य अटल है कि मनुष्य ईश्वर बनता है और वह ईश्वर बन सकता है। और कई उदाहरण है ऐसे, कोई देखा मेरे सामने कई उदाहरण है
और इसीलिए आगे में उनका ये कहना है कि इसका सीधा और साधा कारण यह है कि नोइंगली एंड अननोइंगली, जाने अनजाने में मनुष्य ईश्वर है। किसी को उसका अनुभव है, किसी को नहीं है, जाने अनजाने पर मनुष्य यह ईश्वर है। और यह उन्होंने उनको बताना था, तो उन्होंने वो एक्सप्लेन करके बताया है। और जब तक यह अज्ञान रहेगा तब तक मायावी चीज़ों का अनुभव हमको होता रहेगा। यह पूरा का पूरा जो एरिया जो है, जितना भी है, यह मायावी चीज़ जितनी भी इसके अंदर में है, उसी का हम लोग अनुभव ले रहे हैं अपने जीवन के अंदर में। फिर वो साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो भी है, जितने भी है, वह सारे के सारे इसमें अज्ञानी अभी भी है। किसी का अज्ञान 5% है, किसी का 10% है, 15%, कोई पूरे अज्ञानी है, पर है अज्ञान में। जब तक हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे तब तक हमको रियलिटी या हम कौन है इसका हमें ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए यह अनुभव होता है कि ईश्वर ही अखंडनीय एकता का कोई अंत नहीं है। ईश्वर को कोई अंत नहीं है, वह अखंड एकता जो है, दैट इज रियलिटी, दैट इज परमात्मा, गॉड जिसको हम लोग कहते हैं, वह अनंत है, अविभाज्य है, अद्वितीय है। हम लोग प्रार्थना के अंदर में उसको पढ़ते हैं और हमको उसका डिटेल हमको मालूम है, तो उसको हम लोग आगे नहीं लेते, आगे चलते हैं। हफीज़ जो मेहर बाबा के जो प्रिय सदगुरु थे, तीन सदगुरु थे, तुकाराम महाराज, हफीज़ और तीसरे अपने कबीर जी जो थे, तो बाबा कहते हैं कि हफीज जी क्या कहते हैं, बोलता है प्रेमी और प्रियतम के बीच जो अवरोध या प्रतिबंध जो है दोनों के बीच में, प्रेमी और प्रियतम के बीच में जो है, हाँ, इस अवरोध को या प्रतिबंध को आप उठाकर फेंक दो, आप उठाकर फेंक दो, एक बाजू में कर दो, क्योंकि तुम खुद ही अपने को ढांकने वाले पर्दा हो। तुम खुद को ही अपने को ढांकने वाले पर्दा हो। पर्दा कौन है? तुम खुद हो। जिस पर्दे की बात करें ना, ये पर्दा जो है ना, ये पर्दा जो लिखा है, यह पर्दा हम खुद हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और इस पर्दे की वजह से ये जो पर्दा है, और वैसे भी ये पर्दा नष्ट होने वाला है, कभी ना कभी नष्ट होता है, जब भी परमात्मा से मिलन होता है तो ये पर्दा ख़त्म हो जाता है। तो बोलते हैं कि आप अपने को बाजू करो, पर हम अपने को बाजू करने के लिए तैयार नहीं रहते। नॉट हमको लगता है कि मैं सुप्रीम हूँ। पहली बात है कि यही तक मैं सुप्रीम हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, वो किया, जितना भी है सारा का सारा मैं, ये मैं जो है, मतलब हमारा अपना झूठा अस्तित्व, ये झूठा अस्तित्व है, इसको बाजू करो। हफीज कहते हैं तुम अपने पर्दे की घड़िया खोल, मतलब यह पर्दा है और यह घड़िया जो है, परत जिसको बोलते हैं घड़िया, फोल्ड, इस पर्दे की जो घड़िया जो है, घड़िया मुझे वॉच नहीं, घड़िया मतलब फोल्ड जैसे करते हैं, हाँ, वो तुम हो, उसको खोलो और बाजू में करो, हटा दो उसको, तुझे राम मिलेगा, तुझे ईश्वर प्राप्त होगा। और बराबर है, क्योंकि ये सब जब तक अपने साथ में है, पूरे के पूरे हमारे मित्र मंडली जो है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष, ये हमारे रिश्तेदार है ये सब, ये रिश्तेदार जब तक हमारे साथ में है तभी कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए यह पर्दा जो है, अज्ञान में लिपटे मानव को ईश्वर से अलग रखता है, बराबर है, ये हमको परमात्मा से दूर रखता है। हमें इससे ज़्यादा प्यार है ना कि परमात्मा से प्यार है, और इसीलिए वह इतना सूक्ष्म है, बोलते वह इतना सूक्ष्म है कि उसको कितना भी ऊँचे से ऊँचा सूक्ष्म
विचार भी हो तो भी इस पर्दे को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसको छेद नहीं कर सकता, ये वहाँ बाहर नहीं जा सकता। इतना वो सॉलिड पर्दा है, इतना सूक्ष्म होने के बावजूद भी वो इतना सॉलिड है कि कोई भी तुम्हारा विचार भी उसमें से जा नहीं सकता है। तो वो कैसा होगा इसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते हैं, और कोई छेद नहीं सकता उसको, ना उसमें कोई प्रवेश कर सकता है। यह पर्दा सात भिन्न रंगों के सात पर्दों से बना हुआ है। अभी अमलाए यह पर्दा जो है वह सात रंग, सेवन कलर्स, सेवन कलर, सात कलर से यह बना हुआ है। और सेवन कलर का मतलब हो गया कि सेवन घड़िया, सेवन फोल्ड है ना, वो वो, और वो चला भी जाएगा तो भी वो पर्दा रहेगा। सात मूल डिजायर्स, इच्छा प्रदर्श, बराबर है कि नहीं? इसलिए आगे में जब साधक दैवी मार्ग में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तब उसे केवल एक सप्तमुखी सिद्धि प्राप्त होती है। व्हाट इज दिस सप्तमुखी सिद्धि का मतलब क्या हो गया कि सेवन इन वन, मतलब एक सप्तमुखी सिद्धि, पहली सिद्धि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवी, सातवीं। पहली सिद्धि आती है तो हमारा ये जो मुंह जो है, माउथ जो है, ये पहली सिद्धि, बाद में ये पहला संस्कार, बाद में ये दो संस्कार और क्रोध, और ये ऐसे ये सात जो है, यह सातों जब भी निकल जाएंगे तभी यहाँ पे जो तीसरा नेत्र है, थर्ड आए, उसके द्वारा हम परमात्मा को देख नहीं सकते पर परमात्मा का एग्जिस्टेंस हमें महसूस हो सकता है। मतलब हम उस वक्त में हम अपनी पांचवी भूमिका पे हैं। पांचवी भूमिका में हमारे ये जितने भी है रिश्तेदार, शायद काम क्रोध मोह माया मत्सर द्वेष निंदा संस्कार यूं त्यों, वह सब के सुख निकल जाते हैं। और वहाँ पे एक ही इच्छा होती है, लॉन्गिंग टू सी गॉड, और आखिरी में जो है वो लॉन्गिंग टू बिकम वन विद गॉड, सी गॉड एंड बिकम वन विद गॉड, छठवीं और सातवीं उसमें आती है। तो इसके लिए ये सात पर्दों में पहला पर्दा जो है, पहला पर्दा मतलब जब कोई आदमी पहली भूमिका में चला जाता है, पहली भूमिका में, तो उसकी पहली गांठ जो है मैंने बताया वो खुलना चालू हो जाता है, पहली या यहाँ पे पहली भूमिका में। उसका मतलब हो गया कि पहली जो गांठ है उसका नाश हो गया, प्रथम मूल इच्छा जो है, मूल इच्छा जो है उसका नष्ट होना, पहली मूल इच्छा जो है उसका नष्ट होना, मतलब इसमें से कोई भी एक जो है वो नष्ट हो गई, मूल मतलब पहला मूल संस्कार वो नष्ट हो गया। सात गहरे रंग जो है, सेवन कलर, इसमें से एक कलर जो है, जो डार्क कलर है, वो नष्ट हो गया, और प्रथम द्वार में उसको प्रवेश मिल गया। मतलब पहली भूमिका में जब भी कोई एंट्री करता है तभी क्या घटित होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा, किसके द्वारा, मूलभूत संस्कार के द्वारा, कलर के द्वारा, और मूलभूत डिजायर्स के द्वारा। मतलब यहाँ पे जाने के बाद में एक एक पर्दा जो है वो जो घड़ी जो है वो खुलते जाती है धीरे 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 धीरे। पांचवे प्लेन पे वो पूरे सातों संस्कार नष्ट हो गए, कलर नष्ट हो गए, इच्छाएं नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, एवरीथिंग। पर फिर भी परमात्मा को देखने की और उससे एक रूप होने की इच्छा अभी भी बाकी है। वो होता है छठवीं में और सातवीं में, और उसको हम लोग अभी, मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले टाइम उसको और एक डिटेल जो बाबा ने बताया है उसके द्वारा हम आगे बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे यह संस्कार और ये
अपनी इच्छाएं जो है वह डिज़ायर जो है वह नष्ट होती है, और कैसे कैसे यह जीवात्मा जो है वह कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए परमात्मा की तरफ में अभी वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे उसका अज्ञान कम होते जाएगा वह बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उसके संस्कार नष्ट होंगे वो आगे बढ़ते जाएगा। तो सद्गुरु और अवतार जो है वो क्या करते हैं, वो इन या यहाँ पे पांचवी या छठवी भूमिका में जो मस्त लोग है कि जो वली है या पीर है, उन लोगों को यह ड्यूटी है वो करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस मोक्ष मार्ग के अंदर में प्रवास करने के लिए प्रवृत्त करो, और ये काम उनको परमात्मा के द्वारा दिया जाता है और वो काम करते हैं। सद्गुरु भी करते हैं, अवतार भी करते हैं। इसीलिए चौथी प्लेन के ऊपर में जितने भी है उनको पकड़ो, समझे कि नहीं, उनको पकड़ो, बाकी के जो है वो छोड़ दो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।